राजा के साथ काम किया मैंने, हनीफ राजा ने मेरे साथ ड्रामों में काम किया, उमर शरीफ के साथ काम किया मैंने यार, मोइन अख्तर के साथ काम किया, आप मुझे बात कर रहे हो यार। ये भाई नहीं बताया था, लेकिन वो चीज तो नहीं है, वो चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, क्या दुकान पे खरीदने आया मेरे को? मैं पियर में कॉमेडी करता हूँ, मेरा पियर होता है, साथ में वनमैन शो नहीं करता हूँ, मुझे नहीं आते लतीफे यार। तो आप ये फिर इस फील्ड में क्यों है लतीफे? ये फील्ड में मेरे से अच्छे अच्छे पड़े हैं कॉमेडियन लतीफे सुना रहे हैं ना यार, कॉमेडियन लतीफे सुनाते हैं, एक्शन कॉमेडी भी होती है और जुमलों की कॉमेडी भी होती है, सब होती है यार, खुदा के वास्ते यार चुप करा उनको यार। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैडम तशरीफ रखे? और सुनाइए। बस यार अभी तो आया, अभी क्या सुना? बस आज माशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई, हनी भाई ने जिक्र किया होगा आपसे? हाँ, मुझे उसी ने तो बुलाया था, वो खुद का उसका फोन भी अंगेज जा रहा। नहीं, हनी भाई से अभी बात हुई थी, वो काफी थोड़ा सा बिजी है ना। अच्छा अच्छा। तो वो हमारा ही था प्रोग्राम, उन्होंने बात की होगी, आपको भी बताया होगा। हाँ, कह रहा था वैरायटी प्रोग्राम के। हाँ, साउथ अफ्रीका में है और बहुत जबरदस्त किस्म का कॉमेडी शो है वो। तो अभी हम लोगों ने जैसे हनी भाई से जिक्र किया, आपका नाम आया, हमने कहा भाई फौरन, हमारी तो पहली चॉइस ही आपकी थी, हमने कहा सबसे पहले लेकर जाएंगे तो लाला को लेकर जाएंगे। बड़ी मेहरबानी है। शोज में देखने का एक अपना वो होती है, लेकिन अब सामने बैठ के जब लतीफा नहीं हो सकता भाई, या क्या उसमें मूड बनाना पड़ता है ना, हम पब्लिक को देख के अपना मूड बनाते हैं, ऐसे नहीं। यानी कि हमारा मूड, हमारी हम ऐसी पब्लिक नजर नहीं आ रहे कि हम लतीफा है। एक साहब को उनकी बेगम ने पूछा, क्या आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? वो साहब कह रहे, बेगम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो बेगम ने कहा कि फर्ज करें अगर मैं मर जाती हूँ तो आप क्या करेंगे? बोले बेगम मैं पागल हो जाऊंगा। वाह भाई, इतना प्यार करते हैं आप मुझे कि आप पागल हो जाएंगे? सही, पागल हो जाएंगे, लेकिन आप मतलब है कि दूसरी शादी तो नहीं करेंगे? तो वो साहब कहने लगे मैं पागल हूँ, पागल तो कुछ भी कर सकता। ऐसे सुना हुआ था प्यार करने का, पागल हो जाओ कुछ भी कर सकता। बहुत अच्छे लोग, यही तो चीजें आपकी कि मतलब आदमी में इतना हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है आपकी बातों से, ये बुरा नहीं मानिएगा, ये आपके लिए बस एक तोहफा है समझ ले, ये जो आप सुनाया ना आपने हमको, इस कदर पसंद आया, आप यकीन करें, आपको यकीन आ नहीं रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। लाला अगर बुरा ना माने तो एक और लतीफा में महफिल जमी गई है, मुझे नहीं आते मतलब, ये बस एक दो लतीफे याद है यही। लाला इतना अच्छा लगा, यकीन करें अब तो दिल चाह रहा है बस बैठे रहे और आप लतीफे सुनाते रहे। अखबार में मैंने पढ़ा था वो लतीफा, दो बच्चे होते हैं स्कूल जा रहे होते हैं ना, देरी हो जाती है उनको, मास्टर साहब उनको बोल रहा था भाई इतना देरी से क्यों आए हो तुम? पहले बच्चे को पूछे क्यों देरी से आए हो तुम? वो कहता है कि माँ साहब मेरी जो है वो चवन्नी खो गई थी। कहते अच्छा भाई तुम खड़े हो। दूसरे से पूछते भाई तुम बताओ तुम क्यों देरी से इतना है? कह रहा माँ साहब मैं इसकी चवन्नी पे पाँव रखे खड़ा हूँ। अखबार में पढ़ा था अखबार में से, मैं बोल रहा हूँ यार तुम लोग को यार बुरा नहीं मानिएगा। हाँ यार, 1000 रुपये दीजिएगा सर। क्या हो गया? दीजिएगा, ऐसा करेंगे अखबार ही खरीद के ले जाए साउथ अफ्रीका, कैसा रहेगा? आप सर अखबारों के लतीफे पढ़ पढ़ के अगर सुनाएंगे तो ये तो कोई बात ना होगी ना, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, आपके तो दूसरे आर्टिस्ट के लतीफे नहीं सुनाते सारे अखबारों के? हम तो समझ रहे थे आप अपना टैलेंट निकालते हैं यार। तो वो तो टैलेंट, इतनी हजारों लोग होते हैं जो मजमा होता है, जमा होता है, तो आदमी उससे पब्लिक से भी बात करता है, कुछ अपने भी बातें करता है, मतलब लतीफों से ही तो काम चलता है, तो जितने आर्टिस्ट हैं कराची में वो नहीं करते क्या? साउथ अफ्रीका में आप पब्लिक में थोड़ी जा सकते हैं, आपको स्टेज पे रहना होगा, पब्लिक से क्या बात करेंगे? आपको राजा के साथ काम किया मैंने, हनीफ राजा ने मेरे साथ ड्रामों में काम किया, उमर शरीफ के साथ काम किया मैंने यार, मोइन अख्तर के साथ काम किया, आप मुझे बात कर रहे हो यार, आप नहीं जा सकते? भाई नहीं बताया था, लेकिन वो चीज तो नहीं है, वो चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, क्या दुकान पे खरीदने आया हो मेरे को? खुश होकर दिए तुमने तो रख ली, मुझे अभी तो मैं रख लेता हूँ। वहाँ पर इतनी साउथ अफ्रीका है, आप माशाल्लाह जा चुके हैं, दूसरे मुल्कों में भी जाकर आपने बहुत, यार मैंने कनाडा में गया हूँ, मैं अमेरिका गया हूँ, सही है, मैं दुबई गया हूँ, मैंने फिल्में की है मैडम शनिमारा की, माशाल्लाह से यार बातें कर रहा हूँ। तो डायलॉग बोलने होते हैं ना, अच्छा खाना थोड़ी होता है, यहाँ तो हम सिर्फ दो हैं, यही नहीं हंस पा रहे, तो वहाँ 2 लाख का जो क्राउड होगा उसको आप कैसे कवर करेंगे यार? फिर वही 2 लाख, फिर अभी मैं पहले आपसे कह चुका हूँ,
कि यार हम लोग वैरायटी करते हैं ना, 2 लाख या 1.5 लाख का भी मजमा हो वहां पे हम कर लेंगे अपना, यहाँ मतलब अकेले कैसे कॉमेडी करूँ यार। मैंने आपसे पहले कहा कि भाईजान ये लतीफा मैं मुझे नहीं आता लतीफे यार। तो आप ये फिर इस फील्ड में क्यों है लतीफे? ये फील्ड में मेरे से अच्छे अच्छे पढ़े हैं कॉमेडियन लतीफे सुनाते हैं ना यार, कॉमेडियन लतीफे सुनाते हैं, एक्शन कॉमेडी भी होती है और जुमलों की कॉमेडी भी होती है, सब होती है यार। खुदा के पास यार चुप करा उनको यार। अरे बात तो सुने, बात तो सुने। क्या बात सुने यार, कोई इस तरह होता है किसी के साथ यार? मेरा क्या मतलब, मुझे क्या दुनिया जानते तुम नहीं जानते? बात तो सुन ले, अजीब बात कर रहे यार। एक मिनट भाई, एक मिनट, 2 मिनट दे, बात तो सुन ले। अरे बात सुने, कैमरा लगाओ, कैमरा लगाओ, वो देंगे सामने, वो टेंटेड ग्लासेस के पीछे रेड कलर का स्पॉट। ये राजा ने क्या, मैं देख, मेरे खुदा की कसम मेरे जहन में ही नहीं आ गए, राजा ने बोला ये ड्रामा कर लिया वो मेरे साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिएगा और इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना ना भूलिएगा। और हाँ, आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, ये तो आप जानते ही हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।